गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश ग्रामर। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस ऑफ लेसन 2। सम नाउंस रेफर टू एंटिटीज दैट वी कैन काउंट, सच नाउंस आर कॉल्ड काउंटेबल नाउंस। जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वे काउंटेबल नाउंस हैं। काउंटेबल नाउंस हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। वी यूज ए, एन, मैनी, सम, एनी, फ्यू और ए फ्यू बिफोर दिस नाउंस। एग्जाम्पल, ए बर्ड 10 बर्ड्स, ए बुक 3 बुक्स, एन अम्ब्रेला 5 अम्ब्रेलास। तो काउंटेबल नाउंस को हम काउंट कर सकते हैं। एंड सम नाउंस रेफर टू एंटिटीज दैट वी कैन नॉट काउंट, काउंट नहीं कर सकते। तो सच नाउंस आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउंस। अनकाउंटेबल नाउंस आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउंस को। एग्जाम्पल, एयर, इंफॉर्मेशन, वेदर, मीट, मिल्क, म्यूजिक। वी यूज एक्सप्रेशंस लाइक इनफ, much, some, any, little, a little, a lot of, or plenty of before some uncountable nouns to indicate quantity. Example, some food, a pinch of salt, a little sugar, plenty of water, some advice, a piece of advice. इंडिकेट क्वांटिटी। समटाइम्स वी काउंट द नंबर ऑफ कंटेनर्स विच कंटेन दीज अनकाउंटेबल थिंग्स टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। एग्जाम्पल, अ बकेट ऑफ वॉटर, अ ग्लास ऑफ वॉटर, टू जग्स ऑफ वॉटर, ए कैन ऑफ कोला, 3 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट, अ स्पूनफुल ऑफ सुगर, 2 क्यूब्स ऑफ सुगर। सम एंड एनी कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस। सम एंड एनी वेद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सम बुक्स, सम वाटर। तो बुक्स काउंटेबल एंड वाटर अनकाउंटेबल, लेकिन सम दोनों में यूज हुआ, सम बुक्स, सम वाटर। एनी कप्स, एनी कॉफी। Given below are some other uncountable nouns and their uses. Bread, a loaf of bread, a piece, a slice of bread. Yeah. Furniture, a piece of furniture, a lot of furniture. Hair, a few strands of hair, a strand of hair. Ink, several bottles of ink, many cartridges of ink. Tea, a cup of tea, a kettle of tea.